गाइस वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे मैं कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अभ्या सचिन एंड यू आर वाचिंग माय लाइफ इज क्रिकेट। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हाउ टू प्ले लॉन्ग इनिंग इन क्रिकेट, मतलब कि आप कैसे विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के जैसा लॉन्ग इनिंग्स खेल पाए, मतलब कि सेंचुरी ही नहीं आप 180, 180, 200 रन कैसे आप बना पाए, बड़े से बड़े पारी कैसे खेल पाए, 80, 90, 100, 120, 130 रन कैसे आप अपने टीम के लिए बना पाए, अपने लिए बना पाए, कैसे लॉन्ग इनिंग खेल पाए, मैं बताने वाला हूँ जिस वीडियो में। तो मैं दो चीज़ों की हेल्प से बताऊंगा, पहला तो आपको मैं कुछ चेंजेस करने को बोलूंगा माइंड सेट में और कुछ चेंजेस लाने को बोलूंगा, और दूसरा ये होगा फिजिकल में आपको कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, कोई बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी तभी आप लॉन्ग इनिंग्स खेल पाएंगे अपने लिए और अपने टीम के लिए भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना तभी वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेंटेलिटी में आपको क्या क्या चेंजेस लाने हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। फर्स्ट मेंटेलिटी में आपको चेंज लाना है वो है कि आप जब भी बैटिंग के लिए उतर रहे हो, जब भी आप स्टार्टिंग में अपनी इनिंग को बिल्ड करोगे तो उस समय आपको नेचुरल गेम खेलना है, चाहे आपका डिफेंसिव नेचुरल गेम हो चाहे अटैकिंग हो, जो भी हो, बट आपको अपना नेचुरल गेम ही खेलना है, जिससे कि आपका जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आप अपना नेचुरल गेम खेलते हो तो। अब सेकेंड पॉइंट ये है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप क्रीज पर बैटिंग के लिए उतर रहे हो तो आप कोई भी मन मर या मतलब माइंडसेट में ये लेकर ना उतरो कोई भी टारगेट कि मेरे को 30 रन बनाना है या मेरे को 50 बनाना है तभी मैं अपने टीम के लिए सिलेक्ट हो पाऊंगा अगले मैच के लिए। ऐसा सोच कर आप उतरोगे तो आप वहीं पर लॉन्ग इनिंग नहीं खेल पाओगे, वहीं पर आप हार चुके हो, क्योंकि अगर आप 30-40 बना लोगे तो उसके बाद कोई लूज शॉट खेलकर आप आउट हो जाओगे। तो इसलिए आप कोई भी माइंडसेट में लेकर ना उतरें कि मेरे को 30 बनाना है या 50 बनाना है। आप जब ये लेकर नहीं उतरेंगे आप क्रीज पर जाकर सोचो कि आपको कितना रन बनाना है, आपको किस टाइप से खेलना है। कभी भी आप पहले से ग्राउंड में जब उतर रहे हो तो कोई भी टारगेट लेकर नहीं उतरे, जैसे कि आप रोहित शर्मा को देखो, अगर रोहित शर्मा कभी भी टारगेट लेकर उतरते, मान लीजिए वो 100 का टारगेट लेकर उतरते, तो वो कभी भी दोहरा शतक नहीं बना पाते, मतलब 200 रन कभी भी बना नहीं पाते, और आप जानते कि उनके पास अभी 203 डबल 100 है, तो आप समझ सकते हो कि वो कभी भी टारगेट लेकर आपको नहीं उतरना है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप बैटिंग के लिए उतरो तो ये सोच कर नहीं उतरो कि मैं जाऊंगा तो चौके छक्के ही मारूंगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल चौके छक्के मार के ही बड़े इनिंग खेल सकते हैं। चौके छक्का मारकर बड़ी इनिंग खेलने में महारत भले ही हासिल है क्रिस गेल को, बड़े बड़े जो हिटर है वो भले ही कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं जो न्यू में आते हैं बिगिनिंग में, वो नहीं कर पाएंगे ऐसा। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि चौके छक्के अपने जगह पर अच्छी बात है, बट आपको सिंगल डबल भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग इनिंग अगर आप देखोगे चाहे विराट कोहली का देखो चाहे रोहित शर्मा का देखो, आपको देखने को मिलेगा कि वो हर समय सिंगल डबल निकालते हैं, वो कम से कम ही डॉट बॉल खेलते हैं। डॉट बॉल आप अगर नहीं खेलोगे तो आप लॉन्ग इनिंग आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि डॉट बॉल से ही प्रेशर बनता है और कैच आउट होने और आप मारने को जाते हो और आप कैच आउट हो जाते हो। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप डॉट बॉल तो नहीं खेलो, जब भी आपको लॉन्ग इनिंग खेलना है तो आप डॉट बॉल नहीं खेलो, आप सिंगल डबल निकालो और अपना दिमाग चलाओ वहां पर जाने के बाद कि कहां पर गैप है वहां पर आप सिंगल निकालो, कहीं पर गैप है तो वहां डबल निकालो, या अगर थर्ड मैन फील्डर अंदर है तो आप चीके साथ टच करके चौका निकाल सकते हो। तो दिमाग वहां पर आपको चलाना होगा बहुत ज्यादा, तभी आप लॉन्ग इनिंग्स खेल सकते हो और कंसिस्टेंट खेल सकते हो। लॉन्ग इनिंग ये नहीं कि एक मैच में आपने 70-80 बना दिए उसके बाद आप 10 मैच फ्लॉप चल रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कंसिस्टेंट अगर लॉन्ग इनिंग खेलना है तो आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ऑन क्रीज, जब आप क्रीज पर बैटिंग कर रहे हो उस समय। तो अब बात आती है कि अब जैसे कितने भी रन आपको बनाना है, चाहे 100 बनाना है आपको या 120 बनाना, तो आप उतने तक पहुंचोगे कैसे, जैसे 0 to 100 तक आप पहुंचोगे कैसे। जैसे आप कभी बैटिंग के लिए उतरे तो आपको आप ये सोचोगे कि मेरे को 100 रन बनाना है, तो 0 to 100 तक अगर आप सोचोगे तो आपको लगेगा यार कैसे बनाऊंगा इतना, ये बहुत ही बड़ा गैप है। तो आपको अगर आप सोच के आप डर जाओगे तो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको कैसे माइंडसेट करना है 100 बनाने के लिए या 150 बनाने के लिए कैसे माइंडसेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी आप बैटिंग के लिए उतरो तो आप छोटे छोटे टारगेट में सोचो, आप अपना टारगेट तय कर लो कि मेरे को 0 to 20 तक बनाना है, फिर अगर आप 20 तक पहुंच गए तो आपको 40 तक बनाना है, और आपको किस पेस से बनाना है ये भी आपको सोचना है। आपको हर बॉल पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सिंगल डबल तो निकालते रहने, डॉट तो नहीं खेलना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है पहले भी इसी पार्ट के वीडियो में। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सिंगल डबल निकालते रहना है, और अगर लूज बॉल मिल रहा है तो आप लूज बॉल को चौके छक्के में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपको देखना है कि कौन सा लूज बॉलर है उस टीम का, अपोजिट टीम का, तो आपको उसको टारगेट भी करना है। तो आप इस तरीके से रन बना सकते हो, चौके छक्के आप डील कर सकते हो। तो यही कुछ था मेंटेलिटी से रिलेटेड टिप्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेंटेलिटी में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या क्या करना है, वो सब समझ में आ गया होगा। अब बात
आती फिजिकल की। तो अगर आपने मेंटेलिटी में चेंज ये सब ला लिया तो आपका यहाँ पे 60% काम हो जाता है, 40% काम बचता है फिजिकली में। तो फिजिकली में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी लॉग इन नहीं खेलना है, चाहे 80 रन की पारी खेलनी है, 100 की खेलनी है या 200 की खेलनी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको उसके लिए चाहिए होगा स्टेमिना। और स्टेमिना कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, एक्सरसाइजेस करनी होगी, योगा करना होगा, आपको जिम करना होगा, रनिंग करनी होगी, तो इस सबसे आपको स्टेमिना मिलेगा। तो आपको और डाइट जो होता है क्रिकेटर्स का, वो आपको खाना होगा जिस टाइप से डाइट होता है क्रिकेटर्स का, तो उस टाइप से आपको स्टेमिना बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपके पास स्टेमिना होगा तो आप इजीली कोई भी लॉन्ग इनिंग खेल पाएंगे। अब आप देखिए विराट कोहली को, विराट कोहली का आप फिटनेस देख सकते हैं, रोहित शर्मा का भी आप देख सकते हैं, भले ही उनका बाहर से नहीं दिखता उतना फिटनेस, लेकिन उनका अंदर से फिटनेस है, तभी तो वो 203 बार जड़ चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपका फिटनेस सबसे बेस्ट होना चाहिए। अगर बेस्ट होगा तो आप इजीली तब आप लॉन्ग इनिंग्स खेल पाएंगे और कंसिस्टेंट खेल पाएंगे। क्योंकि अगर आपके अंदर टेक्निक भी है, आपके अंदर स्किल भी है, लेकिन अगर आपकी फिटनेस नहीं होगा अच्छा, तो आप थक जाओगे, और थक जाओगे तो आप एक लूज शॉट खेलकर आपको आउट होना होगा या रिटायर्ड हो जाओगे। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा, तो सबसे पहले आपको स्टेमिना बढ़ाना है। अगर आपका स्टेमिना बढ़ गया तो आपका काम वहां पर हो जाता है। और सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे अगर स्टेमिना बढ़ गया तो आपका यहाँ पे 20% काम हो जाता है, अब बचता है 20% काम। तो वो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो आपका डिपेंड करेगा स्किल और टेक्निक पे। अगर आपका स्किल टेक्निक अच्छा है तो आप इजीली तब लॉन्ग इनिंग कंसिस्टेंट खेल पाएंगे। जैसे कि अगर बात आती स्किल की, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका स्किल अच्छा है आप लेग साइड बहुत अच्छा खेलते हो, तो लेग साइड में केवल अच्छे खेलने से नहीं होगा। आप भले शुरू में आप अच्छा कर पाओगे, बट धीरे धीरे आप इंटरनेशनल क्रिकेट अगर खेलो या कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हो तो आप ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाओगे। भले जैसे कि आप शुरू में आओगे तो आपको बॉलर को नहीं पता होगा कि आप लेग में अच्छा खेलते हो, तो वो डालेगा और वो गलती करेगा, बट धीरे धीरे आपको वो एनालाइज कर लेगा, उसका वो केवल ऑफ में डालेगा और आप मार नहीं पाओगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा टेंट। इसलिए आपको 360 डिग्री शॉट्स खेलने आने चाहिए, आपको हर तरीके का शॉट आना चाहिए, चाहे कवर ड्राइव हो, चाहे लॉफ्टेड शॉट हो, कोई भी शॉट हो वो आपको आना चाहिए। अगर आप सब शॉट्स जान रहे हो, चाहे कवर ड्राइव हो, ऑफ ड्राइव हो, कोई भी ड्राइव हो आप जान रहे हो, सब चीज़ जान रहे हो, लॉफ्टेड शॉट भी जान रहे हो, आप स्कूप भी जान रहे हो, ये सब चीज़ अगर आप जान रहे हो तो आप इजिली लॉन्ग इनिंग्स खेल पाओगे और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, आपको हर शॉट्स आते हैं, तो आप इजिली खेल पाओगे। केवल आपको थोड़ा आपको मेंटेलिटी में भी मैंने जो बताया वो सब अगर आप कर लोगे तो आप इजिली लॉन्ग इनिंग्स खेल पाओगे। तो जो जो मैंने टिप्स दिया फिजिकली और मेंटेलिटी में चेंजेस लाने को, अगर आप उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे तो शायद आप भी लॉन्ग इनिंग्स खेल पाओ लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा के टाइप का। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो मेरे इस कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर मैं वहाँ पे भी आंसर नहीं कर पाऊँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम आईडी का, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर अगर आप मैसेज करोगे तो वहाँ मैं पक्का आपको आंसर कर दूंगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।